नमस्ते, मैं दीपाली। मैं आज आप लोगों को पनीर मगज बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बिगिनर्स भी इसे बहुत अच्छी तरह से आसानी से बना सकते हैं। ये स्वादिष्ट भी होती है। मगज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मगज का कई फायदे होते हैं। बच्चों के लिए मगज बहुत अच्छे होते हैं और ये मगज कोई भी ग्रेवी को बहुत रिच लुक देता है। इसको बनाने के लिए चाहिए हमें 100 ग्राम पनीर, 2 चम्मच मगज, 4 से 5 दाने लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर का पेस्ट, नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च का पाउडर, जीरा और धनिया का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, तेल, मगज का पेस्ट, बारीक कटी हुई प्याज और साबुत जीरा। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर मगज। पहले कढ़ाई को गरम कर लीजिए। इसके बाद 2 चम्मच तेल डालिए। तेल गरम होने के बाद थोड़ा सा जीरा डालिए। जीरा थोड़ा भून जाने के बाद बारीक कटी हुई प्याज डालिए। प्याज को चलाते रहिए गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज भून जाने के बाद हमने जो अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर का पेस्ट बना के रखे थे उसको डालेंगे। इसके बाद 1 छोटी चम्मच हल्दी डालिए। एक छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च, एक छोटी चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर। फिर अच्छी तरह से मसाला को भून लीजिए। मसाला भून जाने के बाद उसमें कटी हुई पनीर के टुकड़े डाल दीजिए। थोड़ा सा और चला लीजिए। फिर इसमें डाल दीजिए मगज का पेस्ट। इसके बाद इसमें डालिए 1 चम्मच नमक या अपना स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद कढ़ाई को ढक दीजिए। बीच में ढक्कन खोल के एक बार चला लीजिए। पनीर में उबाल आ गया। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डाल देते हैं। चला भी लेंगे थोड़ा सा। फिर गैस अप करके इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। दो मिनट हो गया है। अब हम इसको सर्विंग बोल में डाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको प्याज और मिर्च से सजा देते हैं। इसको आप जीरा चावल, पूरी, पराठे किसी के साथ खाइए और खाने का आनंद लीजिए। नमस्ते।